स्क्रैच कीजिए ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाओ कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और एक साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आसिफुल्ला साहब हैं, सांगलीकर साहब हैं, सादात साहब हैं, हमारे खादरी एडवोकेट और बहुत सारे लोग डाइस पे मेरे भी। ये हमारे ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में 60-70 किलोमीटर पर लोग आते हैं। लोग आकर हमारे पास पेपर ले जाते हैं, हमें कहते हैं पेपर के बाद मैं कमेटी बना दूंगा उनको, उसमें उनको पेपर एडजस्ट करने लगो, उन्हें हमारे पास वापस आते थे। एक बार अर्जी ले जाते हैं, दो वर्ष के बाद में हमारे कमेटी जल्दी जाकर पूछते हैं। तो ऐसी हालत में हमें खुद हमारे फील्ड में हमारे मेंबर हमारे वाइस चेयरमैन खुद हर तालुक तालुक में हमें फंक्शन रखो, पूरा हमारे सब तालुक में भी हमें फंक्शन करके उनको लोगों को जाकर समझा दो, कमिटी बनाने के लिए हमें भरोसे से कोशिश करेंगे। वही टाइम में हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट में हमारी कमिटी लिए थी, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मोहसिन साहब थे, वही सरकार को क्यों हम लोग टोकते रहते हैं, क्यों कमेंट करते रहते हैं? क्योंकि ये सरकार एंटी माइनॉरिटी है, ये सरकार एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित, एंटी ट्राइबल्स है। ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। ये इन सब इदारों को पैसे देने की तो दूर की बात, बढ़ाने की तो दूर की बात, जो ऑलरेडी पैसा पिछली सरकार दी थी, जो कांग्रेस की सरकार दी थी, उसमें लगातार कटौती करते जा रही है।
सिर्फ ये दिखाने के लिए काम करती है, ये एक्चुअल उनके लिए बिल्कुल किसी भी तरह का काम करना नहीं चाहती है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम सरकारें पे डिपेंड होना कम करें या बंद करें, हम लोग अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकें, हम लोग को हमले अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम लोग पहल करें तो हम लोग सरकार जितना हमें पैसा दे रही है उसका 10 गुना ज़्यादा पैसा हम लोग विद इन दी कम्युनिटी हम लोग रिसोर्सेज रेस कर सकते हैं। हम लोग सर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन है वो बता रहे थे कि उन्हें पावर्स नहीं है, अगर उनके हाथ में पावर्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं? देखिए डी डब्ल्यू ए सी का मतलब डिस्ट्रिक्ट वफ एडवाइजरी कमेटी है, वो एडवाइस करती है और डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि पास्ट में जिस तरीके के हादसे हुए हैं, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं उसमें बोर्ड को बाद में डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत पैदा हुई थी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, बहुत सारे पावर्स जो स्टेट वक्फ बोर्ड के हैं उसको डेलीगेट कर रहे हैं डी डब्ल्यू एस को, मसलन रजिस्ट्रेशन का, कमिटीज़ का क्लियरेंस करने का, नए प्रॉपर्टीज़ को लेने का, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डेलीगेट कर रहे हैं। और अब मैंडेटरी कर रहे हैं कि हर महीने में एक डी डब्ल्यू ए सी मीटिंग करें, और इवन कमिटीज़ का भी रिकमेंडेशन थ्रू डी डब्ल्यू ए सी हो, ताकि डी डब्ल्यू ए सी को भी कुछ काम करने के लिए कुछ काम मिले और उनको भी जो है यहाँ के लोकल मसले हल करने के लिए उनको कुछ एक तरीके का जो हम थोड़ा लिबरल तरीके से उन लोगों को हम लोग पावर्स डेलीगेट करें, वो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। अब आपके डी डब्ल्यू ए सी की जो कमेटी है उनको पहल करना चाहिए, उनको इश्यूज टेकअप करना चाहिए, उनको अलग अलग फाइल्स बना के हमारे हवाले करें, तो हम लोग उसमें जो भी मदद करना है डी डब्ल्यू ए सी की मदद करेंगे। साथ में मैं डी डब्ल्यू ए सी को फिर से एक बार सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जितने ज़िम्मेदार हजरत हैं यहाँ पे, दानिश्वर लोग हैं, जो हैसियतमंद लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके हवाले करें, वो सॉर्ट आउट करके दें, उसको इम्प्रूव करें, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करें। सर अभी आप बता रहे थे कि मौजन और इमाम के लिए पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको हर महीना जो है पेमेंट नहीं मिल पा रही है। कौन बोल रहे हैं हर महीना पेमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं, गलत है, मैं एज ए बोर्ड मेंबर में कह रहा हूँ, रेगुलर पेमेंट हर महीने 30 तारीख या 31 तारीख को उनको आ जाता है। सिर्फ ये कोविड में 2 महीने का, क्योंकि सरकार से पैसा नहीं आया था, वो सिर्फ इमाम मौजान को नहीं, किसी को भी नहीं मिला था। सब गलत, जितना पेमेंट है मौजान को और इनको कितना, 3,000 और 4,500 है, उसका 50% हम पेंशन के तौर पे देंगे जो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 3,000-4,000 में मौजान का जिंदगी चलता है। ये सैलरी नहीं है भाई, ये सैलरी नहीं है, ये हॉनरेरियम है, और उसके अलावा उस मस्जिद की कमेटी भी जो है उनको पैसा देती है। सर ये दारुल औकाफ क्या है, इसका तहफ्फुज किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाता है? देखिए दारुल औकाफ ये ईमानिया से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है इस्लाम में, और इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ़ हर कोई शख्स करना चाहता है और इसको अपना ईमानी फरीज़ा समझा जाता है। मगर इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि औकाफ़ की हालत देखकर लोगों ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करना छोड़ दिया है, यानी अपनी लैंड्स को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ़ करना छोड़ दिया है, क्योंकि वक्फ़ की हालत ऐसी है। अब मसला ये है कि अब औकाफ़ के पास इतने पावर्स हैं कि वो बाज़ाब्ता तमाम के तमाम औकाफ़ी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। अब देखिए 1954 में ये एक्ट बनाया गया था, फिर तकरीबन 1995 में इसको और मज़ीद तक़वीत दी गई, फिर उसके बाद 2013 का जो एक्ट है उसे और मज़ीद तक़वीत हासिल हुई। अगर आप 2013 के एक्ट के सेक्शन नंबर 104 उठा कर देखें तो उसमें तमाम के तमाम जो वक्फ बोर्ड को पावर होने चाहिए वो तमाम के तमाम पावर हैं, मौजूद हैं। और इसके अलावा अब ये जो एनक्रोच चल रहा है ये भी इसकी लंबी दास्तान है। इवन सच्चर कमेटी की जो 2018 की जो रिपोर्ट है, तकरीबन औकाफ़ी जो इदारे हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हैं, और तकरीबन 1 लाख ऐसे इदारे हैं जो बाज़ाब्ता कब्ज़ा किए हुए हैं। इवन आप पंजाब चले जाएं, 5,600 से ज़्यादा औकाफ़ी लैंड ऐसे हैं जो लोगों ने कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ तक, अब पंजाब तो काफ़ी दूर है, अब हमारे यहाँ पड़ोस की बात ले लीजिए आप, तमिलनाडु में तकरीबन 1800 ऐसे लैंड्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इन्होंने कब्ज़ा कर बैठा है। और हमारी रियासत की बात बताऊँ आपको मैं, तकरीबन 864 ऐसे लैंड्स मौजूद हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। अब औकाफ़ दारुल औकाफ़ के पास इतना पावर है कि इनको निकाल सकते हैं। देखिए आप अगर आप सेक्शन 51 एंड 52 उठा कर देखें तो बाज़ाब्ता दारुल औकाफ़ जो है उनके ऊपर जो है एलिगेट करके उनको बाज़ाब्ता निकाल सकते हैं। ये पूरे के पूरे पावर्स उनके पास मौजूद हैं।
तो मैं ये गुजारिश करता हूँ दारुल औक़ाफ़ से कि ये मजबूत से मजबूतर हो जाएँ, और कौम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये दारुल औक़ाफ़ को तक़वियत दें और मज़ीद तक़वियत दें ताकि वो अपना काम बेहतर कर सकें। तो आज बीजापुर के सागर हाल में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर कमेटी वक्फ बोर्ड की जानिब से जो एक फंक्शन रखा गया, मुतवली कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर कर्नाटक स्टेट बोर्ड के डायरेक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब जो एमपी राज्यसभा के हैं, उन्होंने उनके प्रोग्राम रखा गया है और उन्होंने तमाम मसाइल पर बहस की है और मुतलियन मस्जिद इमाम और मौजन तमाम लोग इसमें शामिल थे और उन्होंने अपने मसाइल को लेकर कई सवाल पूछे और उसका जवाब भी इन्होंने दिया। कैमरामैन रौफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। हमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेसियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सकाफ रोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।